नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। क्या आप बहुत ज्यादा भावुक हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है कई बार अपनी भावनाओं को सही तरीके से रख पाना, क्योंकि देखिए भावनाएं ही हमें आपस में जोड़ती हैं, लेकिन कई बार अगर वो ज़्यादा भी हो उससे भी नुकसान होता है। तो किन ग्रहों को साधने से आपकी ये मुश्किल होगी, दूर क्या होंगे उपाय और कैसे आप अपने मन पर अपनी भावनाओं पर रख सकते हैं काबू, इस बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। कभी भी अपने घर में दूधदार या कांटे वाले पौधे मत लगाइए। जिन पौधों को तोड़ने से एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, ऐसे पौधे या कांटे वाले पौधे न लगाएं, नहीं तो घर में स्वास्थ्य की समस्या होगी और कलह बेवजह बढ़ेगा। जो भी हो, अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा, अपने घर के बीचों बीच में या अपने बेडरूम के साथ वाली बालकनी में अगर आप तुलसी का पौधा लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 9 जनवरी का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:24 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 9:11 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, रात 9:11 तक। राहु काल का समय शाम के 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि आज हम भावनाओं को लेकर जानकारी आपको देंगे कि कैसे कोई बहुत ज़्यादा भावुक होता है और किसी में भावनाएं बहुत ही सीमित होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भावनाओं के लिए कौन से ग्रह होते हैं जिम्मेदार, पंडित जी। जी देखिए, मानव का जीवन चलता है मन से और भावनाओं से। अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर मन भी होगा और भावनाएं भी होंगी। वो कैसी होंगी वो बाद का सवाल है, लेकिन मन और भावना जरूर होगी। भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, जिसे कहते हैं चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका संबंध होने पर भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। भावनाएं दूषित भी होती हैं, करुणा वाली भी होती हैं, शुद्ध भी होती हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं हो जाती हैं। पाप ग्रह राहु, केतु और शनि ये भावनाओं को दूषित कर देते हैं और शुभ ग्रहों से भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं राहु से। इसकी वजह से भावनाओं का रूप विकृत हो जाता है, भावनाएं खराब हो जाती हैं। गंदे विचार, गंदी सोच, गंदी भावनाएं, इसके पीछे राहु होता है। जल तत्व और जल तत्व की राशियां व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ी होती हैं और सारी राशियों में भावना की, इमोशन की सबसे बड़ी राशि है कर्क राशि, जिसको सबसे ज्यादा भावुक माना जाता है। अगर आपके ऊपर कर्क राशि का प्रभाव होगा
तो आप कहीं ना कहीं घनघोर रूप से भावनात्मक होंगे और भावनाओं का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर होगा। तो भावनाओं से ही इंसान की जिंदगी चलती है, लेकिन ये भावनाएं अच्छी रहें, पॉजिटिव रहें और सीमित रहें तो जिंदगी आसान हो जाती है। और यही सब कुछ हासिल करने का तरीका भी हम आपको आगे बताएंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है जानते हैं। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी, काम का बोझ कम होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करें। उसके पहले आज का हमारा जो विषय है, यानी कि भावनाओं को अपने वश में रखना, कंट्रोल में रखना, इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, भावनाएं कैसे पैदा होती हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन भावनाओं में समस्या कैसे शुरू हो जाती है ये भी जरा समझाइए। क्या इसमें भी किसी खास ग्रह का असर दिखाई देता है? देखिए, मानव के जीवन में सबसे मुश्किल समस्या भावनात्मक होती है, इमोशनल होती है। भावनाओं में या भावनाओं से समस्या कैसे पैदा होती है? अगर कुंडली में जल तत्व बिगड़ा हुआ हो, वाटर एलिमेंट के ग्रह बिगड़े हुए हों, तो व्यक्ति को इमोशंस की वजह से, भावनाओं की वजह से अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्राएं ज्यादा हो जाएं, तो व्यक्ति की भावनाएं क्रूर हो जाती हैं। व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के खुश होता है। अगर कर्क राशि में चंद्रमा स्वयं बैठ जाए और वो कमजोर हो जाए, वैनिंग मून हो, अमावस्या के आसपास का जन्म हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद का जन्म हो और चंद्रमा कर्क में ही बैठा हो, कमजोर हो, तो भावनाएं कदम कदम पर परेशान करती हैं। छोटी छोटी इमोशनल प्रॉब्लम आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में दिक्कतें पैदा करती हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो भावनाएं दूषित हो जाती हैं। दूसरों के प्रति मन में बुरे विचार, कामुक विचार, खराब विचार, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के विचार, इस तरह के विचार मन में पैदा होते हैं।
चंद्रमा के साथ अगर बुध भी खराब हो गया तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से गलत कदम उठा सकता है। सुसाइडल टेंडेंसी का होना या इमोशन में आके किसी को नुकसान पहुंचा देना या खुद को नुकसान पहुंचा देना, ऐसा ज्यादातर तब होता है जब चंद्रमा भी खराब हो और साथ में बुध भी खराब हो। इस पार्ट का, इस हिस्से का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मन को अपने काबू में रखने के तमाम तरीके आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कुछ और बातें जो भावनाओं से जुड़ी है करेंगे आगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है इसके बारे में जानते हैं। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे सफलता उतनी थोड़ी सी कम मिलेगी। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, वाहन आप खरीद सकते हैं, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए सवालों का रुख करते हैं। सबसे पहले हमारे शो में कहां से आया है सवाल, क्या पूछा गया है, इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कल्पना जी ने हमें लिखा है, और कल्पना जी हमें दिल्ली से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 2 जून सन 2000, जन्म का समय है रात के 9:15, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता है, क्या वो विदेश पढ़ने के लिए जा सकेगा और आगे उसका करियर और उसका जीवन कैसा रहेगा। कल्पना जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अभी वो जो पढ़ाई करेंगे वो भारत में ही करेंगे। हाँ, दिल्ली उनका जन्म स्थान है, दिल्ली से दूर रह करके कोई पढ़ाई अभी अगले 2 वर्षों तक करेंगे। उसके बाद ये संभावना बनती है कि आपके पुत्र विदेश में नौकरी करने के लिए जाएं और विदेश में जाकर के सेटल होने का प्रयास करें, लेकिन ये संभावना संभवतः वर्ष 2026-27 में बनती है। दूसरी बात यह है कि आप अपने पुत्र के स्वास्थ्य का इस साल बहुत ध्यान रखिए।
पेट से संबंधित समस्या और आंखों से संबंधित समस्या इस साल इनको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। फिलहाल अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं और उनको बोलें कि वो अगर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल का रुख करते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल कहाँ से आया है, क्या पूछा गया है, ये जानने से पहले पंडित जी से हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से आया है जी? अगला सवाल हमें राजेश कुमार जी ने लिखा है, भोपाल से लिखते हैं राजेश जी। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1973, जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे व्यवसाय में इस समय दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं अपने बिजनेस को बेच करके कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूं, वहां जाकर के नया व्यापार करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए अच्छा होगा? राजेश जी, आपकी कुंडली इस साल निश्चित रूप से आपके स्थान परिवर्तन की मजबूत संभावनाएं दिखा रही है। आपकी कुंडली में इस साल स्थान परिवर्तन होगा और अगर आप अपना व्यापार बेच करके किसी नए जगह पर जाते हैं, वहाँ व्यापार शुरू करते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये काम आप इस साल के जुलाई के बाद शुरू करिएगा। जुलाई 2024 के बाद अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, इस स्तुति का सुबह शाम पाठ करें। इसके अलावा एक मूंगा बनवा के पहने, लगभग 14-15 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः अगर आप मूंगा पहनते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इन बातों का आप ध्यान रखिए, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको फायदा हो। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। तो आज हम भावनाओं को संतुलित और पॉजिटिव बनाए रखने के तरीके पंडित जी से जान रहे हैं, लेकिन पंडित जी भावनाओं से जुड़ी कई जानकारियां भी हमें दे रहे हैं। अगर आपकी भावनाएं दूषित हो, यानी कि बुरे विचार आपके मन में आते हो, तो क्या किया जा सकता है, इसका कारण क्या होता है, ये भी समझिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी मन में बुरे विचार आते हैं, कामुक विचार आते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं। ऐसा ग्रहों की वजह से भी होता है और ऐसा हमारी स्थिति, परिस्थिति और परिवेश की वजह से भी होता है। अगर आपकी भावनाएं दूषित हों तो क्या उपाय करें? नियमित रूप से एकादशी का उपवास रखें। नियमित रूप से एकादशी का उपवास रखना अच्छा रहेगा, इससे मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। सात्विक आहार ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर आपका आहार सात्विक होगा, आपकी भावनाएं भी सात्विक होंगी। गायत्री मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए। सलाह लेकर के एक ओपल या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करें, तो ओपल या पीला पुखराज पहनने से
मन को शुद्ध होने में सहूलियत होगी, मन आपका ज्यादा शुद्ध होगा, मन आपका ज्यादा पवित्र होगा। तो आपका आहार, आपकी सोच, आपकी उपासना और थोड़े से उपाय, ये करके आप अपनी भावनाओं को और अपने मन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये तमाम बातें आप जरूर ध्यान रखें अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो। आगे बढ़ते हुए राशिफल का रुख करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं पंडित जी। तुला राशि, तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं, तनाव आपके दूर होंगे, कारोबार में आपके सुधार होगा, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो अब तीन राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले अपने भावनाओं को आप कैसे सुधार सकते हैं और भावनाओं को अपने वश में रख सकते हैं, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अलग अलग भावनात्मक समस्याओं की हम चर्चा करते जा रहे हैं। अब अगर आपकी भावनाएं बहुत कोमल है, यानी कि जरा सी बात से आप आहत हो जाते हैं, इसकी वजह से आपका स्वभाव बहुत कमजोर हो जाता है, तो क्या किया जा सकता है और इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ समझते हैं पंडित जी से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी सी बातों पर तकलीफ हो जाती है, दूसरों का दुख नहीं देख पाते, टेलीविजन पे सीरियल देख के, फिल्में देख के, कहानी देख के रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट स्वभाव के हैं और उनका स्वभाव कमजोर है, बहुत कोमल हैं। क्या करना चाहिए? रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पर केवल लिक्विड लेकर के उपवास रखिए, शिव तांडव स्तोत्र रोज सुबह पढ़िए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। तो शिव तांडव स्तोत्र का प्रेम से गा गा करके रोज पाठ करिए, या अधिक से अधिक खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहिए।
और सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिए। पन्ना एक ऐसा रत्न है जो मन को स्ट्रेंथ देता है, मन की शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि को तेज करता है और इमोशंस को काबू करने की सहायता करता है। तो सलाह लेकर के अगर एक पन्ना धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तमाम भावनात्मक समस्याएं आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए इन तमाम अलग अलग एंगल्स पर हमने बात की और पंडित जी ने आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं और उम्मीद करते हैं कि भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। आगे बढ़ते हुए मकर कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जान लेते हैं इनका राशिफल। पंडित जी, मकर राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों की शुरुआत इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जान लेते हैं इसके बारे में। जी, अगला सवाल श्रीमती सावित्री ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 6 दिसंबर 1989। जन्म का समय है सुबह के 8:10 और जन्म का स्थान है रांची झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सावित्री जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय इसी साल बनता है, साल 2024 में। साल 2024 के अंत में इनके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो इस साल के अंत तक इनका विवाह निश्चित रूप से होगा और ये विवाह इनका इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक अपनी पुत्री को पीला पुखराज
वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पहना दीजिएगा। और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज का चौथा और आखिरी सवाल क्या है ये जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, आप चाहते हैं कि पंडित जी तक आप सवाल पहुंचाएं, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी आज का अंतिम प्रश्न साधना शर्मा जी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1994, जन्म का समय है शाम के लगभग 3 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही हूँ, मुझे कब तक सफलता की प्राप्ति होगी और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? साधना जी, आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते रहिए। मई 2024 से लेकर के और जून 2025 के बीच का समय बहुत अच्छा है। इस समय में शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में आपकी, आपके परिवार की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ख़ास तौर से 2026 से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से आपकी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साधना, केवल अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि सेहत का मामला आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिखता है। अच्छे करियर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक ओपल बनवा के पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 9 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याओं से सावधान रहें। करियर में शुरुआत में समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके बाद सफलता मिलेगी। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना जरूरी हो जाता है? हनुमान जी की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। क्यों? देखिए, हनुमान जी को आप कितनी भी चीज़ें चढ़ा दें, लड्डू चढ़ा दें, चूरमा चढ़ा दें, मेवा चढ़ा दें, हनुमान जी तुलसी दल के बिना कभी भी तृप्त नहीं होते।
हनुमान जी को तुलसी दल आप अर्पित करेंगे, वो तृप्त होंगे, आशीर्वाद देंगे और नियमित रूप से हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाएंगे तो जीवन में भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और अब बात करते हैं शुभ पहर की, तो 9 जनवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है ये भी जानते हैं पंडित जी। दिनांक 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करते हैं तो वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 9 जनवरी मंगलवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुडलक राशि की, जो कि है सिंह राशि, और सिंह राशि के बारे में पंडित जी आज क्या बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि कुल मिलाकर ओवरऑल अलग अलग राशि के लोगों के लिए 2024 कैसा है। आज की जो गुडलक राशि है वो है सिंह राशि। साल 2024 में इनके करियर में बदलाव होगा और इनका स्थान परिवर्तन होगा। हालांकि ये परिवर्तन आगे चल करके लाभकारी रहेगा। क्या उपाय करेंगे इस साल को बेहतर बनाने के लिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय, पंडित जी क्या बताने वाले हैं महा उपाय में। पंडित जी, जी आप बहुत बार अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की सेवा सहायता करते हैं, लेकिन आपको यश नहीं मिलता। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को रोली मिला करके जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, उसमें रोली मिलाइए और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारों पर जरा जरा सी रोली लगी रह जाती है। इसी रोली का तिलक अपने मस्तक पर लगाइएगा और रोज सुबह जब जल अर्पित कर लें तो सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों का यश अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा जीएनटी।